दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक माँ ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए बहुत पापड़ बेले तो हो सकता है आप सोचो कि मैं कोई मुहावरा बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, यह वाक्य एक मुहावरा नहीं बल्कि हजारों घरों की सच्चाई है। क्योंकि रियलिटी में भारत के हजारों घरों की महिलाओं ने पापड़ बेलकर अपने पूरे घर बार को चलाया है। और दोस्तों यह कहानी है कई दशकों से विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन चुकी कंपनी श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की, जिसे कि सिर्फ 7 महिलाओं के द्वारा 80 रुपए की लागत के साथ शुरू किया गया था। और आज तक इस कंपनी ने लाखों महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने की ताकत दी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे 7 हाउसवाइफ्स ने एक साथ मिलकर यह क्रांतिकारी उद्योग शुरू किया और कैसे इनके हाथ लगी इतनी बड़ी सफलता। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1959 से, जब 7 गुजराती हाउसवाइफ ने अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई काम स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन उन्हें एक ऐसे काम की तलाश थी जो कि दोपहर 12 बजे के बाद से शुरू हो, क्योंकि 12 बजे तक तो उन्हें अपने घर का काम ही निपटाना होता था। और फिर उन्होंने अपनी एकमात्र प्रतिभा कुकिंग का इस्तेमाल किया और पापड़, जो कि हर गुजराती थाली की शान होती है, उसके प्रोडक्शन का आइडिया ढूंढ निकाला। और इन महिलाओं ने चक्रलाल करस्मी पारेख, जो कि एक समाज सेवी थे, उनसे इस कारोबार को शुरू करने के लिए 80 रुपए उधार लिए। और फिर 15 मार्च 1959 को 7 महिलाएं एक घर के छत पर इकट्ठा हुई और पापड़ के 4 पैकेट के निर्माण के साथ ही यह काम शुरू कर दिया। और फिर इन महिलाओं के लगन को देखते हुए छगन बाल पारेख, जिन्हें की छगन बापा के नाम से भी जाना जाता है, वह उन महिलाओं के मार्गदर्शक बन गए। और यह महिलाएं शुरू में 2 तरह के पापड़ बनाती थी, पहले तो हाई क्वालिटी जिसे की अच्छे दामों पर बेचती और दूसरी लो क्वालिटी जिसे कि कम दामों पर बेचा करती थी। लेकिन छगन बापा ने उन्हें एक स्टैंडर्ड पापड़ बनाने की सलाह दी और उनसे कहा कि वे सभी व्यापारियों से यही कहें कि वो कभी भी पापड़ की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती हैं। साथ ही उन्होंने इस काम को एक बिजनेस के तौर पर चलाने और सभी चीजों का लेखा जोखा बनाने पर भी जोर दिया। और फिर इन महिलाओं के पापड़ की लाजवाब क्वालिटी और टेस्ट को देखते हुए डिमांड काफी तेजी से आगे बढ़ी। और फिर इस बिजनेस में धीरे धीरे करके बहुत सारी और भी महिलाएं शामिल होने लगी। शुरू में तो इस ग्रुप को कोई भी महिला ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र अनिवार्य कर दी गई। और फिर महज 3 महीनों के अंदर ही लगभग 25 महिलाएं एक साथ काम करने लगी थी। हालांकि पहले साल में ही इन महिलाओं को बारिश की वजह से 4 महीने के लिए अपने इस प्रोडक्शन को रोकना पड़ा था, क्योंकि बारिश के मौसम में पापड़ सूख नहीं पाते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टोव के जरिए निकाल लिया। इसके अलावा उन्होंने बर्तन खरीदने में भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए और इस तरह से पहले साल उनकी कुल बिक्री 6,196 रुपए रही। और फिर दूसरे साल इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 150 के आसपास हो गई थी। और तभी उन्होंने न्यूज़पेपर्स में ऐड देना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बिक्री और भी बढ़ी। और यही वजह थी कि तीसरे साल के अंत तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले महिलाओं की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी थी। हालांकि अब इतने महिलाओं को एक साथ किसी के घर के छत पर काम करना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए महिलाओं को सना हुआ आटा तौल कर दिया जाने लगा, जिसे कि महिलाओं को अपने घर पर ही बेल कर पैक करके लाना होता था। और फिर इसी साल उन्होंने अपने पापड़ के लिए लिज्जत नाम का सिलेक्शन किया, जो कि एक गुजराती वर्ड है और इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। दरअसल नाम को रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसे कि धीराबेन नाम की एक महिला ने सजेशन देकर जीत लिया था। और इस कॉन्टेस्ट को जीतने पर उन्हें 5 रुपए का इनाम भी दिया गया। और फिर आगे चलकर पापड़ की सफलता के बाद से लिज्जत के और भी कई सारे प्रोडक्ट सामने आए, जैसे कि 1974 में खाखरा, 1976 में मसाला और आटा, और 1979 में बेकरी प्रोडक्ट की तरह ही और भी कई सारे। और फिर 1979 में ही लिज्जत ने अलग अलग मेलों और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी बिक्री और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और फिर 1990 तक लिज्जत ने अपने प्रोडक्ट्स को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, थाईलैंड और ऐसे ही कई सारे देशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों लिज्जत पापड़ की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही बहुत सारे फेक लिज्जत पापड़ मार्केट में आ गए, लेकिन 2001 में कई सारी गिरफ्तारी के बाद से फेक प्रोडक्शन को रोका जा सका। और दोस्तों इस समय लिज्जत पापड़ की भारत में 82 ऑथराइज्ड ब्रांच हैं, जिसके जरिए 45,000 महिलाएं काम कर रही हैं। और दोस्तों 80 रुपए से शुरू हुई इस ऑर्गेनाइजेशन का सालाना टर्नओवर लगभग 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
तो दोस्तों यह थी कहानी विमेन एम्पावरमेंट का मिसाल बन चुकी ऑर्गेनाइजेशन श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की। उम्मीद करते हैं कि यह आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।